नमस्कार, अभी हम सी पी जे कॉलेज में और सी पी जे कॉलेज के स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर डॉक्टर अमित जैन हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ बच्चे लॉ के आ रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे। सर आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माननीय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए सेशन में बच्चे आ रहे हैं, उनका फ्रेशर्स पार्टी हो रहा है। नए सत्र का आज पहला फ्रेशर पार्टी है, ये पहला फ्रेशर्स प्रोग्राम है और आज लॉ के बच्चों का फ्रेशर प्रोग्राम है, जो कि बी एल एल बी और बी बी एल बी फर्स्ट ईयर के बच्चे आज यहाँ पहुँच रहे हैं और बड़ी अच्छी क्वान्टिटी बच्चे पहुँचे हैं अभी तक। काफ़ी उत्साह है बच्चों में, बहुत उत्साह है। देखा जा रहा है कि बच्चे इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही उत्साहजनक हैं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से अभी पूरे ऑफलाइन था, ऑनलाइन था, आप सीधे ऑफलाइन में आएंगे बच्चे? नहीं, अभी हम ऑफलाइन में नहीं आ पाएंगे, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। अभी भी कुछ गवर्नमेंट के निर्देश हमारे पास नहीं है जिसके तहत हम ऑफलाइन कर सकें, बट हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम ऑफलाइन मोड में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या 50% ऑफलाइन 50% ऑनलाइन ऐसा कुछ सामंजस्य करके इस तरह का हाइब्रिड मोड देखा गया 50% ऑफलाइन 50% ऑनलाइन का, बट लेकिन वो सक्सेस नहीं है इतना। अच्छा। उसमें इतना अच्छा नहीं हो उत्पादकता निकल रही है, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है उसमें, बच्चों को दिक्कत होती है अभी। जी उसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो वी आर गोइंग इन ऑनलाइन मोड। क्या कुछ मैसेज देंगे नए बच्चों को, नए संस्थान के? मैं नए बच्चे को ये कहूँगा कि अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को निखारें, उसे यहाँ आज शो करें आप और अच्छे से अच्छा इनाम जीतने की कोशिश करें। आपको लगता है कि लॉ में काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं अभी? अभी लॉ में बहुत अपार संभावनाएं हैं इस फील्ड में, जैसा कि कई जस्टिस लोग आए और कई एमिनेंट गेस्ट ने कहा कि बहुत ही अपार संभावनाएं हैं इस फील्ड में, तो बच्चों को अच्छा कर सकें निरंतर प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन चलते चलते कहेंगे कि बच्चों को एक मैसेज दे दें। बच्चों को मैसेज यही है, अपनी मेहनत से पढ़ाई करें, अपने आप को निरंतर प्रयास करें, स्थापित करें, एक नया मुकाम हासिल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। यहाँ दोस्तों तो ये थे डॉक्टर अमित जैन, जो खास तौर से कह रहे थे कि नए सत्र में नए साल के साथ निश्चित तौर पर आपको कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि अब कोरोना के बाद आपके पास चैलेंज काफ़ी है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।